करना चाहूंगी AICTE के उपाध्यक्ष प्रोफेसर श्री MP पुनिया जी का, जो हमारे बीच में ज्वाइन कर चुके हैं। तो MP पुनिया जी का परिचय कराते हुए मैं सभा को बता देना चाह रही हूँ कि सर की पृष्ठभूमि तो एक शिक्षक के रूप में सर ने शुरुआत की थी, लेकिन आज एक लंबे कार्यकाल के बाद AICTE को सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं और अपने नवोन्मेष और प्रयोगों के माध्यम से एक दृढ़ आधारशिला भी रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रोफेसर MP पुनिया जी को सुनना हम सब के लिए प्रेरणादायी होगा। तो पुनिया सर, आपका हृदय से स्वागत करते हुए हम सभी हर्षित हैं और आपको आमंत्रण देती हूँ कि सभा को अपने विचारों से अवगत कराएं। पुनिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे को मौका मिला और इतने बड़े विशेष कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। और पहली बार मैंने देखा कि आनंद संस्थान भी हो सकती है, मध्य प्रदेश शासन की जो ये आनंद संस्थान के परिवार के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। और मैं जो उद्देश्य देख रहा था आनंद संस्थान के, जो है पढ़ रहा था वेबसाइट पे जाने का, मेरे को क्यूरियोसिटी भी हुई कि मैं देखूं, राजुल जी का पहले फोन आया था, रजनी सरोड़ा साहब से बात हुई, और जब मैंने इसमें देखा तो मैं जो समझ पाया, उद्देश्य जो इसका समझ पाया, वो ये है कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे साथी के अगर उनकी आंखों में आंसू आते हैं, इसका मतलब मेरी आंखों में उससे पहले आंसू आने चाहिए। ये इस संस्थान का उद्देश्य मेरे को लगता है, जो खुशी बांटना है, खुशी देना है, आनंद देना है, वो इसी बात का प्रतीक है। आनंद तभी होगा जब आप किसी का दुख बांटोगे, और दुख बांटना का जो प्रतीक है कि रियली मैं दुख बांट रहा हूँ, उसका प्रतीक जो है इंसान के आंसू हैं। मैंने बहुत से रोबोट देखे हुए हैं, और विशेष रूप से इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में रोबोट हर तरह के काम करते हैं। इवन ऑपरेशन थिएटर में आज ऑपरेशन भी करते हुए जो है उनको देखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन जो है रोबोट्स कर रहे हैं, रोबोट्स पूरे घर की साफ सफाई का पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने किसी भी रोबोट के आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे, उनके अंदर भावनाएं नहीं देखी है किसी रोबोट के अंदर। तो सबसे बड़ा उद्देश्य जो मेरे को लग रहा है आनंद संस्थान का, जो मानव रोबोट के तरह से परिवर्तित होता जा रहा है, रोबोट का रूप लेता जा रहा है, पत्थर दिल होता जा रहा है, शायद उस मानव को, वास्तविक मानव की क्या जिम्मेदारियां हैं अपने अपने खुद के प्रति, सबसे पहले तो अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, पूरे जगत के प्रति, उसकी क्या भागीदारी है, क्या हिस्सेदारी है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या उस समाज की उससे क्या संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है। ये मेरे को इस संस्थान का सुन के पढ़ के जो है मेरे को बेहद खुशी हुई। और 52 शिक्षक आज जो है, ये जो अपना यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का जो प्रोग्राम, हमारे शिक्षक जिनके साथ हम लोगों का बार बार इंटरेक्शन होता है, और मैं तो इस प्रोग्राम से काफ़ी लंबे टाइम से, इवन राजुल जी शायद अगर हो जानते हो तो मैं IIT दिल्ली में MTech करने आया था 1989 में, और मेरे जो यहाँ पे MTech के गाइड थे प्रोफेसर ऋषिराज गौड़, अभी उनका कोरोना की वजह से देहावसान हो गया, तो वो उस समय भी 89 में भी जो है इस काम को आगे बढ़ाने में, और उस टाइम के विद्यार्थी में, आज के टाइम के विद्यार्थी में तो और ज़्यादा फर्क हो गया है, युवा के सोच के अंदर बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। तो उस 1989 में भी वो इस चीज के लिए चिंतित थे कि भारतीय विद्यार्थी को हमारी जो 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 सामाजिक परंपराएं, हमारा जो समाज की प्रतिष्ठा, हमारे जो देश की प्रतिष्ठा जिस तरह से थी, सदियों से थी, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है इस विद्यार्थी को कैसे डाला जा सकता है, वो उस टाइम भी चिंतित थे। उन्होंने 2 साल की छुट्टी ली थी और एक साइंस एंड ह्यूमनिज्म के ऊपर उन्होंने सबसे पहले किताब लिखी थी, जो हर विद्यार्थी को पढ़ने का मौका मिले कि उनका समाज के अंदर उनकी क्या भूमिका है, इस बात के लिए तभी से चिंतित थे। तो हमें भी उनके साथ साथ चलने का, उनको सुनने का, उनके हिसाब से काम करने का, उनकी सोच के हिसाब से काम करने का,
फिर मैं चंडीगढ़ नीट चंडीगढ़ का डायरेक्टर बन के गया, तो वहां रजनीश अरोड़ा साहब पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक एक अपने हिसाब से और बड़ी अलग जो है पंजाब स्टेट में विद्यार्थियों को उनकी जो 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 सत्य निष्ठा कर्मठता है उसके हिसाब से किस तरह से वो जो है ढाल्स के, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने अलग जगाई भी थी, इवन उन्होंने तो एमटेक प्रोग्राम भी वहां पे शुरू किया था। मैं वहां पे गया, उन बच्चों से बातचीत की जो एमटेक कर रहे थे, शायद 10 या 12 वो स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो अलग ही दिख रहे थे, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी सोच, उनके चेहरे पे जो चमक, उनके जो ललाट की प्रतिभा, वो अपने आप में अलग ही थी। उनके अंदर जिस तरह से दुनिया जो है इस मेटलिस्टिक जिस तरह से होती जा रही है, ऐसे भाव उन बच्चों के नहीं थे, उनके भाव अलग तरह के ही थे। तो मेरे को बहुत अच्छा जो है लगा, और जुड़ने का, उन बच्चों से भी जुड़ने का मौका मिला, रजनीश अरोड़ा साहब से, क्योंकि वहाँ के ये जो है कुलपति थे, उनसे जुड़ने का मौका मिला, उनके साथ और कदम से कदम बढ़ा के आगे चलने का मौका मिला। फिर जब मैं AICT में यहाँ पे वाइस चेयरमैन बन के आया, और क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि विद्यार्थी की आज जरूरत क्या है। मेरा जो 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 सोचना है या जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, हम भारतीय विशेष क्यों थे, भारतीय लोग विशेष क्यों थे, हमारा सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था थी, परिवार के अंदर हमारा आपस में जो एक संगठन था, एक आपस में विश्वास था, एक आपस में एक दूसरे को आनंदित करने का जो भाव था, वो शायद उस भाव से अपन भटक गए। हमारी पारिवारिक व्यवस्था के अंदर सबसे बड़े शिक्षक हमारे, जिसको गुरु कह रहे हैं, आपका जो जो आनंद संस्थान के अंदर साधारण शिक्षक को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने गुरु को दिए, जो अंधकार से जो है रोशनी की तरफ लेके जाता है, हमें अंधकार से रोशनी की तरफ से लेने वाले सच्चे अगर गुरु जो थे, वो हमारे परिवार के मुखिया हमारे दादा दादी थे। और सबसे बड़ा हमारा भारतीय समाज विशेष रूप से इसलिए अलग था कि हमारा जो संगठन, पारिवारिक संगठन था, वो बहुत मजबूत था और मजबूत गुरुओं के हाथ के अंदर था। सबसे बड़ी अगर हमारी कमजोरी रही है शायद, जिसके लिए आज ये अपने आनंद संस्थान शुरू करने की जरूरत पड़ रही है, या हम जो है ये सार्वभौमिक मूल्यों की आज जो बात कर रहे हैं, बच्चों को देने की बात कर रहे हैं, शायद उस पारिवारिक व्यवस्था के अंदर इन चीजों की इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां का हर जो एक्ट था, सुबह से रात तक सोने तक का एक्ट, जगने से लेकर रात को सोने तक का जो एक्ट था, वो हमारे उन बुजुर्गों के, उन दादा दादी के नेतृत्व में था। तो सारी चीजें अपने आप, जो वो संस्कार आ रहे थे, अपने आप आ रहे थे। तो हमारे से जो भूल हुई सबसे बड़ी, मेरे को जो लगता है या मेरे को जो कष्ट लगता है, सबसे बड़ा ये लगता है कि हमने उन बुजुर्गों का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए था, आज जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे पे आया या ब्रिटिशर्स का हमारे पे प्रभाव आया, हमारी जो स्ट्रेंथ थी, ओरिजिनलिटी थी, वो स्ट्रेंथ हमने खो दी, वो ओरिजिनलिटी खो दी। मैं बीच में मैं बता रहा था, मैं चंडीगढ़ में मैं डायरेक्टर था, भारतीय जो 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 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उसका मैं निदेशक था चंडीगढ़ में, पंजाब का, और लोगों से जो है मिलना जुलना होता था। पंजाब के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए हैं पश्चिम की तरफ, और वहाँ पे परिवारों पे प्रभाव पड़ा, वो और ज्यादा पड़ा, अपने शायद मध्य प्रदेश में इतना नहीं दिखेगा जितना इन हिस्सों में जहाँ पे इस तरह का पश्चिमीकरण आया। चंडीगढ़ जैसी जगह में मैं अगर आप आज एक ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा दूं, एक संगठित परिवार की अगर मैं परिभाषा दूं, तो अगर पति पत्नी आराम से साथ में रह रहे हों तो वो एक ज्वाइंट फैमिली है। इतना हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। पति पत्नी से छोड़ के नीचे तो परिवार हो ही नहीं सकता, अगर वो ही साथ में नहीं है तो परिवार ही नहीं है। तो ज्वाइंट फैमिली की डेफिनेशन यहाँ तक आ गई कि पति पत्नी अगर आराम से साथ में रह रहे हो तो वो जो है ज्वाइंट फैमिली है। अब जब अपने दादा दादी को खो दिया, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, तो ये हमारा युवा है, जो हमारा बच्चा है, जिनसे उम्मीदें हैं, और हम ये कहते हैं कि भारत देश की सबसे शक्ति हमारे युवा है, 50% जनसंख्या जो है 25 साल से कम उम्र के हैं। अगर इन युवाओं को अपन सही दिशा नहीं दे पाए, अगर ये रोबोट बन गए हमारे युवा, इस वजह से कि हम उनको उचित संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक संरक्षण जो परिवार को या बच्चे को होना चाहिए था, वो संरक्षण देने वाले तो है ही नहीं। इवन जो संस्कार हमारे स्कूल शिक्षा के अंदर, स्कूली शिक्षा के अंदर संस्कार भरी जो शिक्षा हमारी थी, जो है
शायद उस शिक्षा को भी आज ये कोचिंग वाला और जो जो कंपटीशन जिस तरह से मचा है बच्चों के बीच में, उसके अंदर वो भी हमारा लुप्त होता जा रहा है। हमारे उनका शारीरिक विकास जो था, मानसिक विकास जो था, बच्चे आपस में एक साथ खेल कूद के साथ खेलते खेलते जिस तरह सीख रहे थे, जिस तरह शिक्षक की भूमिका थी, और विशेष रूप से हमारे सरकारी स्कूलों का पैटर्न मैंने देखा हुआ है, मैं वहां पे जो पढ़ा हुआ हूँ, मैंने उन शिक्षकों की कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं देखी। उनके पास साइकिलें थी, जिस तरह से उनका डेडिकेशन था, हर बच्चे के लिए उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा थी। इवन मेरे को एक शिक्षक जो है स्कूल के शिक्षक का याद आता है, वो काफी बार हमें पीटते भी थे। पीटता वही है जिसका अधिकार हो, अदरवाइज नहीं पीट पाएगा, कैसे पीट पाएगा। जब वो पीटते थे, मेरे को अभी भी ध्यान आता है कि वो डंडा जो है ना बीच में से पकड़ते थे, एक साइड से पकड़ के नहीं पीटते थे, वो बीच में से पकड़ते थे। अब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जब हमारी पिटाई करते थे तो बीच में से क्यों पकड़ते थे। मेरे को ये क्लियर होता है कि जब वो हमें मारते थे बीच से पकड़ के डंडे से, तब उनके खुद के भी लगती थी, और शायद वो इसलिए इस तरह करते थे, उनको लगता था कि इस बच्चे को मेरे को पीटना इसलिए पड़ रहा है कि मैं उसको उचित संस्कार नहीं दे पाया, तो उनको खुद को भी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के शिक्षक हमारे पास में थे, जहाँ पे प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, स्वयं बच्चे के अंदर ही थी। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं थी। और आपके संस्थान का जो सबसे बड़ा जो मैंने जो एक विजन देखा है, जो आपका सबसे बड़ा स्टेटमेंट वेबसाइट पे जो लक्ष्य आपने जो निर्धारित किया हुआ है, वो है प्रतिस्पर्धा से ही परिणाम निकलते हैं, ये भ्रामक है। सबसे बड़ी बात आपने कही है कि प्रतिस्पर्धा से ही परिणाम निकलते हैं, ये भ्रामक है। किसी व्यक्ति से आगे निकलने की इच्छा आपको उस व्यक्ति की क्षमता तक सीमित रखते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी उतना सा ही आप बढ़ पाओगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उनके पार जाने के लिए वह सब करें जो संभव हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। अदरवाइज कंपटीशन तो एक के साथ है, वो कंपटीशन खत्म हुआ, अगेन यू वांट बी प्रोग्रेसिंग। तो ये जो लक्ष्य आपने इस संस्थान ने रखा हुआ है, जिस भी व्यक्ति ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है, वो बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से, और ऐसे व्यक्तियों को आज समाज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है। प्रतिस्पर्धा की बात अभी मेरे को याद आ रही है, मैं एक एक उदाहरण पढ़ रहा था पिछले दिनों, कोई एक किसी रेस का उदाहरण था, एक दौड़ चल रही थी, कुछ 5,000 मीटर की दौड़ चल रही थी जो है, और दौड़ करीब करीब अपने जो है फिनिशिंग लाइन तक जाने वाली थी, इस तरह से जैसे खत्म होने वाली थी। सबसे आगे उसके अंदर एक नाइजीरिया का खिलाड़ी चल रहा था, और उसके पीछे जो है स्पेनिश था, और ये क्लियर था उसके अंदर कि नाइजीरियन खिलाड़ी ही जीतेगा। मतलब इस तरह की रेस थी, इस तरह से गैप उसमें क्रिएट हुआ हुआ था। लेकिन अंतिम चरण में जाते जाते जब वो फिनिशिंग लाइन के नजदीक थे, तो उस नाइजीरियन खिलाड़ी को अपना जो 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 टारगेट था वो करीब करीब विचलित हो गया। उसको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है मेरे फिनिशिंग लाइन कहाँ है। वो विचलित हुआ, वो धीरे हुआ, लेकिन स्पेनिश खिलाड़ी जो था पीछे उसके चल रहा था, उसको पता चल गया कि ये विचलित हो गया है और ये हार सकता है। इस विचलित होने की वजह से, ये अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से नहीं आ रहा है, अपनी ताकत की वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज हो गया है, इसकी वजह से हार जाएगा। फाइनली जब स्पेनिश खिलाड़ी को लगा, वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि योर टारगेट इज समथिंग डिफरेंट, आप फिनिशिंग लाइन की तरफ जाइए। लेकिन क्योंकि उनकी भाषाएं अलग थी, स्पेनिश की ये भाषा जो है वो नहीं समझ पा रहा था नाइजीरियन खिलाड़ी। लास्ट में उसने क्या किया कि जब वो फिनिशिंग लाइन नजदीक आई, तो उसने स्पेनिश खिलाड़ी ने उस नाइजीरियन खिलाड़ी को पीछे से जोर से धक्का दिया ताकि वो आगे जाके उस फिनिशिंग लाइन से आगे उस स्पेनिश खिलाड़ी से पहले जाके गिर जाए। और स्पेनिश खिलाड़ी सेकंड आया, नाइजीरियन जो है फर्स्ट आया। पत्रकारों ने पूछा, ये क्या किया आपने, ये क्या कर दिया? तो उसने कहा कि मैं इस प्रतिस्पर्धा में था भी नहीं, मैं जीत का हकदार कैसे हो सकता हूं? जीत का हकदार यही है, और अगर मैं झूठी जीत मेरे साथ ले जाता, इस झूठी प्रतिस्पर्धा से मैं ले जाता, मैं मेरी मां से क्या आशीर्वाद लेता, मैं क्या बताता कि मैं मां आज विजयी होके आया हूं, या मेरी पत्नी को मैं क्या बताता कि देखो आपका पति जो है कितना वो है, ताकतवर है, कितनी इसकी जो है एंड्योरेंस है, कितनी इसकी जो है क्षमताएं हैं, क्या मैं बच्चों के सामने उदाहरण बनता? ये जिस तरह की सोच के इंसान जिस तरह के हैं, आपकी संस्थान का उद्देश्य मेरे को ये लगता है आप बधाई के पात्र हैं। करीब 50,000 वॉलंटियर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी, हमारे बच्चों के अंदर भी आज जो देख रहे हैं,
हमारे बच्चे को क्योंकि उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि परिवार को अलग तरह से अपने जो है विकसित कर दिया, आप स्कूल की शिक्षा को अपने कोचिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो बच्चे को भी क्योंकि कोई दिशा देने वाला नहीं, बच्चे का कसूर नहीं है, दिशा देने वाला नहीं है, तो वो भी जो एक एक चमक दमक दिख रही है समाज की, वो उस चमक दमक की तरफ जा रहा है, उसके अंदर मानवता वाला जो कंपोनेंट होना चाहिए, रियली दूसरे के दुख दर्द बांटने वाली बात होनी चाहिए, पूरे जगत को सुखी बनाने वाली बात की सोच जो है, वो सोच जागृत करने वाला ही कोई नहीं है, तो उसको तो जो चमक दमक दिखेगी उस तरफ ही जाएगा। 12वीं पास किया हुआ बच्चा जब हमारे पास कॉलेज में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने आता है, सबसे पहला क्वेश्चन वो शिक्षकों से ये पूछने लग गया, और माँ बाप भी साथ में होते हैं, शिक्षकों से ये पूछता है कि मेरा 4 साल बाद इस ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया, मेरा पैकेज क्या होगा। शायद ये बुरी बात नहीं है पैकेज के बारे में बात करना, पैसे के बारे में बात करना, लेकिन शिक्षक से संवाद कर रहे हो और सबसे पहला क्वेश्चन ही आप ये जो पैकेज की बात कर रहे हो, आप जिम्मेवारी की तो बात ही नहीं कर रहे हो, ये हमारे लिए सबसे पीड़ा की बात है। हम भारतीय तो दाता थे, हम तो देने वाले थे, चाहे हम प्रकृति को देने वाले थे, चाहे समाज को देने वाले थे, चाहे दुनिया को देने वाले थे, हम तो कभी हाथ फैलाने वाले थे ही नहीं। तो हमारा अगर युवा इसकी बात करता है तो हमारे लिए बहुत ही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस युवा से किस तरह से अपन जो है इस देश का भविष्य इसके हाथ में कैसे देंगे। तो AICTE में आने के बाद जो राजुल अस्थाना साहब, रजनी सरोड़ा जी, प्रोफेसर RR गोड साहब, इन मानवों से हमने रिक्वेस्ट किया कि जो ये एक तो सार्वभौमिक भूमिक मानव मूल्यों को समझाने के लिए कि इस बच्चे के कर्तव्य क्या हैं, उस बच्चे को ये तो सिखा रहे हैं अपन कि उसको क्या क्या करना है, पर ये नहीं और कैसे करना है, ये सिखा रहे हैं कि कैसे करना, पर ये नहीं सिखा रहे कि क्यों करना है, क्या क्या करना है तुम्हें। हम तो सिर्फ उसको जो है कैसे करना है वो सिखाते जा रहे हैं, उसको स्किल देते जा रहे हैं, उसको मशीन बनाते जा रहे हैं, जैसे रोबोट के अंदर इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कमांड देते हैं, उसके बाद वो करता जाता है, हम तो सिर्फ कमांड दे रहे हैं उसके अंदर जो है, और वो करता जा रहा है, हमें रोबोट थोड़ी बनाने हैं, तो किस तरह से किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ पूरी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम, और हमारी जो इंडक्शन प्रोग्राम आपने जो है शुरू किया देश के अंदर 21 दिन का, जिसके अंदर मेरे हिसाब से पिछले 2 या 3 साल में करीब 4 लाख बच्चों तक हम पहुंच पाए हैं, करीब 40,000 शिक्षकों के दिमाग में ये चीज क्लियर कर पाए हैं कि आप सबसे पहले तो ये समझें कि आप कौन है, किस पर्पज के लिए है, आपका रोल इस समाज में क्या है, आपका रोल परिवार में क्या है, आपका रोल इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे जगत के अंदर एक हार्मनी स्थापित करने के लिए, परस्पर एक दूसरे को हैप्पीनेस देने के लिए आपका क्या रोल है, ये दिखाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ो तो सही। अकेला मिरेकल नहीं कर पाएगा, अकेला आपका आनंद संस्थान में मिरेकल नहीं कर पाएगा, अकेला AICTE भी नहीं कर पाएगा, अकेला यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम एक सी सोच के व्यक्तियों को अगर आपस में जोड़ लें और उनकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां, पूरी शक्तियां अगर हम हमारी युवाओं की तरफ लगा दें, तो अभी भी युवा अभी रास्ता भटके हैं, ऐसा नहीं है कि हम संभावनाएं नहीं है, उनको वापिस ले आएंगे अपन रास्ते के अंदर, और इसके बहुत सार्थक परिणाम हमें जो मिल रहे हैं, आपके जो मैं देख रहा था आपके पास आनंद सभा इसके अंदर बनी हुई है, जो ये कहती है कि निर्धारित पाठ्यक्रम जो कोर पाठ्यक्रम है उसके अलावा जो चीजें हैं, अलावा जो उसका एक 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 सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या डायमेंशन होनी चाहिए, वो पहलू आप आनंद सभा में लेके आते हैं। इसी तरह से हमने एक 21 दिन का बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम बनवाया इन मानवाओं की मदद से, प्रोफेसर रजनी सरोड़ा साहब जो है, राजुल जी, प्रोफेसर RR गोड साहब से, कि बच्चों को जब हम हायर एजुकेशन, पहले तो स्कूल से हायर एजुकेशन में आ रहा है, स्कूल से हायर एजुकेशन में आ रहा है और ज्यादातर अपने घरों से बहुत दूर आ जाता है, कॉलेज तो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे, यूनिवर्सिटी तो बड़ी बड़ी जगह पे है, जैसे ही वो आता है तो वो माँ बाप को मिस करता है, वो भाषा को, अगर तमिलनाडु का कोई बच्चा राजस्थान में आता है तो उसकी पूरी भाषा ही बदल जाती है वहाँ की, उसका खान पान बदल जाता है वहाँ पे, जब घर से दूर आता है तो उसको होमसिक भी होती है, वहाँ पे आके जब प्रोफेशनल कॉलेज में आता है कई बार रैगिंग के भी जो है उदाहरण मिलते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती है, तो वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह के इंडक्शन प्रोग्राम की, जिस तरह जिस वो नए वातावरण में आ रहा है, वो उस नए वातावरण में अपने आप को कैसे डाले, कैसे वो अच्छे दोस्त बनाए, और उसको खेलना मतलब शारीरिक उसकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, उस क्रिएटिविटी जो मानसिक अपन विकास
की जो बात करते हैं, जोड़ने की विकास की बात करते हैं, उनके अंदर इवन उसकी कुछ वीकनेसेस लैंग्वेज की हो सकती है, कहीं मैथमेटिक्स में कमजोर हो सकता है, फिजिक्स में, ऐसा नहीं कि वो बच्चा जो है प्रेशर में आ जाए, दबाव में आ जाए। तो हमने एक 21 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम उस वातावरण में वो अपने आप को डाल पाए, ऐसे वातावरण को बनाने की कोशिश की। और लेकिन उसके लिए पहले शिक्षक तो होनी चाहिए, बच्चों को बिना पढ़ाए हुए 21 दिन तक बिजी रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो काम है। तो 21 दिन किस तरह के खेल खिलाएंगे, किस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज जो है कराएंगे, किस तरह की उसके अंदर जो पोटेंशियल है पूरा का पूरा, चाहे लिटरेसी से, मैं लिटरेरी एक्टिविटीज के थ्रू है, चाहे चाहे उसकी प्रोफिशिएंसी, मैं कह रहा हूँ लैंग्वेजेस में अगर कहीं दिक्कत है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, तो क्या ऐसे समाज के ऐसे समर्थ लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है, क्या वो समाज उपयोगी कार्यों के बारे में कुछ सोच सकता है, क्या वो ये सोचने के लिए भी वातावरण बनाया जा सकता है कि वो इस टेक्निकल एजुकेशन में क्यों आया है, 4 साल बाद वो कैसा दिखेगा, उसको क्या कर्तव्य निभाने होंगे, और वो सोशली रेलिवेंट कैसे हो सकता है। तो ये 21 दिन का प्रोग्राम, 8 हमने अलग अलग टुकड़े, उसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का भी हमने एक कंपोनेंट उसके अंदर जो है जोड़ा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम ने बनाया। आपका एक आनंदम प्रोग्राम भी मैं देख रहा था, जिसको नेकी की दीवार कह रहे हैं, कोई आवश्यकता के अलावा जो चीजें पड़ी हुई है मैं मेरे पास क्यों रखूं, मैं क्या करूंगा जो है, तो वो बाहर जो है खुली जगह में दीवारों पे वो लेके आ रहे हैं, और जो नीडी लोग हैं उसको लेके जा रहे हैं। ये भी है, आप आनंद उत्सव मना रहे हैं, जो हमारे खेल गीत संगीत जो है जो थे उनको जीवित रखने के लिए, और उसके अंदर भी कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धाएं नहीं है, आपस में जोड़ने के लिए है, लोगों को समझने के लिए है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है काम किया जा रहा है। तो जिस तरह से हमारा इंडक्शन प्रोग्राम शिक्षकों को तैयार करना, विद्यार्थियों को तैयार करना, ऐसे ही आप समाज के अंदर उस तरह के अलग से जगा रहे हैं, जागरूकता लेके जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा काम हो रहा है। हमने एक पूरा सब्जेक्ट बनाया जो तीसरे सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, जिसको अपन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कह रहे हैं, उसके अंदर बच्चे को अपनी भूमिका समाज के अंदर क्या होनी है, किस तरह से समाज उपयोगी बनना है, उसके बारे में पढ़ाया है। और आपकी गतिविधियों में एक एक जो इसका जो जो आप में आनंद सभा का देख रहा था गतिविधि, इसमें एक क्षमा करने के महत्व के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, जो सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर इंसान की हो सकती है, किसी को अच्छे काम के लिए क्या वो बड़ाई कर सकता है क्या, अप्रिशिएट कर सकता है क्या, और किसी की गलती पे क्या क्षमा कर सकता है क्या, ये जिस मानव में 2 गुण होंगे वो अपने आप में अलग ही होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, 2 दोस्त थे और कहीं वो डेजर्ट में जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जाते जाते उस डेजर्ट के अंदर कहीं पे उनका छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, 2 में से 1 ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के थप्पड़ मार दिया उस डेजर्ट में चलते चलते जो है, जिसके थप्पड़ लगा उसने वहां पे मिट्टी पे लिखा, उस रेत में लिखा, अपनी अंगुली से लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारा, और ये लिख के वो जमीन पे, और दोनों फिर साथ चलने लगे, चलते गए चलते गए चलते गए, जो भी संवाद जो भी उनके बीच में होता रहा, जिस तरह से भी चलते चलते वो कहीं एक एक तालाब के पास पहुंच गए, तालाब के अंदर जो है के पास पहुंचे, तो वहां पे उस तालाब में नहाने की उनकी इच्छा हुई, जब नहाने की इच्छा हुई तो जो 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 जिसके थप्पड़ लगा था वो वहां पे डूबने लगा, उस तालाब में डूबने लगा, तो जिसने थप्पड़ मारा था उसने उस बच्चे को वहां पे बचाया, उस तालाब के अंदर बचाया, डूबने से बचाया और बाहर लेके उसको आया। जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने एक वहां पे बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था तालाब के किनारे, उस पत्थर पे लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहले तो देखो उसने मिट्टी पे लिखा था, रेत पे लिखा था कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारा, लेकिन जब जान बचाई तो उसने उस पत्थर पे लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उस साथी ने पूछा कि यार ऐसा क्या, जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपने रेत पे लिखा, जब मैंने आपको जान बचाई आपने पत्थर पे लिखा है। उसने कहा कि मिट्टी पे लिखने का मतलब ये है कि जैसे हवा का झोंका आएगा वो सारी चीजें उड़ जाएंगी, वो सब चीजें माफ हो गई जो गलती हुई, मेरे थप्पड़ मारा, लेकिन आपने जो अच्छा काम किया उसको मैंने पत्थर पे लिखा है, और लोग भी जो है इस चीज को देखेंगे, पीढ़ियां इसके अंदर देखेगी कि दोस्त दोस्त की जान कैसे बचा सकता है। ये क्षमा करने की भावना है, और आपका की गतिविधियों में मैंने देखा कि ये सबसे बड़ी गतिविधि मेरे को लगी कि आप ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि आप जो है कैसे क्षमा कर सकते हैं, कैसे बड़े बन सकते हैं। और एक और आप जो है उसके अंदर कर रहे हैं
कि दूसरों के लिए मिसाल कैसे बन सकते हैं, दूसरों को किस तरह से मदद कर सकते हैं, ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूं। एक बार एक हॉस्पिटल के अंदर दो पेशेंट एडमिट थे। एक पेशेंट अनजान थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। एक पेशेंट जो था अस्पताल के अंदर, उसका बेड लगा था विंडो की साइड में, खिड़की की साइड में बेड लगा हुआ था। दूसरा पेशेंट उससे थोड़ी सी दूर पे था। विंडो की तरफ जो जो आदमी होता है उसको सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि उसको बाहर की चीजें दिखती हैं, बाहर खिड़की में से सब कुछ दिखता है। तो वो जो दूसरा जो पेशेंट था उसका बाहर से देख के और मन बहलाया करता था कि देखो दोस्त मेरे को बाहर जो है सुंदर सुंदर बच्चों की टुकड़ियां जाती हुई दिख रही हैं, स्कूल जा रहे हैं, रंग बिरंगी ड्रेसें पहने हुए हैं, इस तरह से सैनिकों की टुकड़ियां जा रही है, बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बरसात होने वाली है, संगीतमय वातावरण है। इस तरह से वो विंडो से देख के और उस दूसरे साथी का मन बहलाया करता था, मदद किया करता था, जितनी कर सकता है हॉस्पिटल में इसी तरह की मदद होती है। खैर इस तरह से चल रहा था। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि जो विंडो की साइड के अंदर जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने दूसरे साथी ने कहा, नर्स से कहा कि क्योंकि ये बेड खाली हो गया है और अब मेरे को बाहर की चीजें कोई बताने वाला नहीं है, इस बेड पे मेरे को शिफ्ट कर दो। वो व्यक्ति तो बाहर से देख देख के मेरे को बताता था, अब मेरे को आप जो है शिफ्ट कर दो। नर्स ने कहा काय की, क्या देख के बताता था, वो व्यक्ति तो अंधा था, उसको तो कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ वो आपको झूठ मूठ की कहानियां बताता था ताकि आपका मन बहलता रहे, समय पास होता रहे, मदद होती रहे। इस तरह से तो इस तरह का वातावरण बनाने के लिए हमारा जो इंडक्शन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो है हम बात कर रहे हैं, वो देने की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक सपना है, बहुत बड़ा इसके अंदर जो है साकार होने की संभावना है। और जिस तरह से ये कहा जाता है योग कर्मेशु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति बना पाए अपन जिनके कर्म इस तरह से हो कि उनमें कंप्लीट कुशलता हो, जिस तरह से कुशलता हो। और योग के अंदर जो योग जो है उसके अंदर सबसे दो बड़ी बातें, योग के आठ जो अंग हैं, आठ अवयव हैं, जो ऋषि पतंजलि ने दिए, उससे सबसे पहले वाले जो अवयव आपके यम और नियम जो है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति कर्तव्य और स्वयं को समझने की बात है, वो आपका नैतिक अनुशासन है। नैतिक अनुशासन की बात हो रही है तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अंदर सबसे बड़ा जो जोर दिया जा रहा है या इंडक्शन प्रोग्राम में जो आज जोर दिया जा रहा है वो यम और नियम पे है, जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने की संभावनाएं और दूसरों की मदद जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जो नैतिक अनुशासन की बात हो रही है, जो शारीरिक क्रियाएं कराई जा रही हैं, जिसके अंदर आसन की बात है, जिसके अंदर प्राणायाम की बात है, जिसके अंदर प्रत्याहार की बात है, उसके अंदर हम जो है शारीरिक अनुशासन की बात कर रहे हैं, और साथ के धारणा ध्यान और समाधि जो है उसके अंदर हम मानसिक अनुशासन, मीन्स आपका जो नैतिक अनुशासन, आपका आपका शारीरिक अनुशासन और आपका मानसिक अनुशासन, तीनों को जोड़ने की बात हो रही है। और भाव व्यक्ति के किस तरह से व्यक्त हो, सिर्फ शरीर या जो दिमाग जो है वही सब कुछ नहीं है, आपका माइंड, आपके भाव, आपका जो 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 कर्तव्य बोधता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस भाव की तरफ, उन भावों को उज्जवल कैसे बना सकते हैं, यही हमारा इसके अंदर उद्देश्य है। मैं पूरी टीम को, 52 जो सदस्य इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाला समय हमारे देश का होगा, भारत का होगा, ये जो जो वातावरण को हमने जो है खराब किया है, शायद इससे हम सबक लेंगे। ये कोरोना टैक्स भगवान ने, प्रकृति ने हमारे ऊपर लगाया है, उससे भी हमें जो है निजात मिलेगी। और आने वाले समय में इन युवाओं को हम हवा, हम जो 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 मिट्टी और पानी जो है इस धरती से हम लोग जो जाएंगे, सीनियर लोग जाएंगे, तो इन बच्चों को वैसी हवा, वैसा ही पानी, वैसी ही पृथ्वी जो है जैसी हमें जन्म के टाइम मिली थी, वैसी हम दे के इनको जा पाए, यही मेरा सबसे बड़ा सपना है, यही हमारी कर्तव्य बोधता है। और इसी दिशा में आपकी संस्थान, आनंद संस्थान और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम जो है अग्रसर है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। मेरे को समय देने, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणास्पद वक्तव्य आपका पुनिया सर, और इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत आभार भी। राजू भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे पुनिया जी कि हम एक स्टूडेंट के रूप में है,
और हम लोग पूरा एक टीम जो है, कुमार संभव हैं, जैसे अभी इसमें जितेंद्र नरूला हैं, उमेश जी हैं, उपासना जी हैं, ये सब लोगों के साथ में मिलकर के हम लोग जांचने परखने का और जीने का काम कर रहे हैं। ये तो संजोग था और हम लोग की ये एक तरह से पहले मुलाकात हो गई, तो इसलिए आप हम लोग का नाम बार बार लेते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर इवैल्यूएशन से ऐसा लगता है। तो ये एक पॉइंट अप करना था। और दूसरा हमको ये कहना है कि आपका वक्तव्य जो था बहुत अच्छा था, कि मानव बनाने का काम जो है, हम लोग रोबोट बनाने का तो बहुत कुछ कर लिए, लेकिन मानव बनाने का काम हम लोग को अभी और तीव्रता से करना है। अखिलेश अर्गल जी हैं और इंद्रपाल सिंह जी हैं, प्रवीण गंगराड़े जी हैं और सत्य प्रकाश जी हैं, तो आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लोग ने इतनी जिम्मेदारी से जो काम किया है पिछले 2016 से, वो प्रशंसनीय। तो आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही, तो आप लोग भी शेयर करिए। सर मैं प्रवीण गंगराड़े बोल रहा हूँ सर, राज्य आनंद संस्थान की तरफ से सर, प्रोफेसर एमपी पुनिया साहब को आप बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने कम समय में सर इतना मतलब राज्य आनंद संस्थान के बारे में एक एक योजना के बारे में इतना विस्तार से सर अध्ययन किया है और उसके बारे में चर्चा की सर, तो संस्थान की तरफ से सर बहुत आभार और बहुत धन्यवाद सर, इस कार्यक्रम में भी आप आए इसके लिए बहुत स्वागत सर। हम लोग बहुत छोटी सी टीम में राज्य आनंद संस्थान के मतलब स्टेट लेवल पे बहुत छोटी टीम के साथ काम कर रहे हैं सर, पर हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो फील्ड में है, जो वॉलंटियर के रूप में सर हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम के साथ, कोई कॉलेज में प्रोफेसर है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, सर अपने काम के साथ सब लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी ताकत है राज्य आनंद संस्थान की, ये पूरा वॉलंटियर बेस्ड है नीचे स्तर तक पूरे क्षेत्र में, और ये जितने कार्यक्रम हम नीचे तक ले जा पा रहे हैं उसी के कारण वहां तक पहुंच पा रहा है। आज के कार्यक्रम में भी सर जितने भी लोगों को हमने रिक्वेस्ट की थी, सभी 60 पार्टिसिपेंट इसमें लगातार उपस्थित हैं, एक भी अनुपस्थित नहीं है और सब वॉलेंटियर्स लोग हैं सर, तो यही हमारी ताकत है और इसी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर, आभार आप, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। और मैं एक बात जो है और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी टीम ने काम किया, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम ने काम किया, आश्चर्य की बात यह है कि हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती थी रैगिंग की, काफ़ी शिकायतें आती थी आपस में बच्चों में झगड़ा होने की, काफ़ी शिकायतें हमारे पास आती थी बच्चों के पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स की, काफ़ी शिकायतें ये आती थी कि बच्चे जो है उद्योगों के लायक उनको तैयार नहीं किया जा रहा है, उनके अंदर ये गुण नहीं है, उनके अंदर वो गुण नहीं है। इन पिछले 3-4 सालों में ये इस तरह के जो 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 लड़ाई झगड़े के या रैगिंग के आते थे वो केस कम हो गए हैं, बच्चों के ड्रॉप आउट जो है कम हो गए हैं, बच्चों की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। तो देखो कितना बड़ा परिवर्तन जो है, ये टीम राजुल जी कह रहे हैं कि छोटी सी टीम है कुमार संभव जी, और ये छोटी सी टीम नहीं है, टीम छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम जो है, और समाज का बहुत ज्यादा विश्वास भाई साहब आप लोगों पे है, आप बहुत बड़ा जो है काम कर रहे हैं, और हमें मौका मिला है इनफैक्ट आप जैसे व्यक्तित्व से मिलने का, जुड़ने का। जी पुनिया जी, इसमें एक चीज और आप उस पे बताएं कि AICTE का देश भर के लिए और पर्टिकुलरली राज्य आनंद संस्थान में जो अब काम शुरू हुआ है उसके लिए आप क्या सोचते हैं, कैसा कमिटमेंट, जैसे अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो AICTE के प्लेटफॉर्म के ऊपर और NCCIP और NCUHV टीम के साथ में कर रहे हैं और UHV टीम के साथ में कर रहे हैं, तो ये मिलकर के हम लोग एक बहुत बड़ी टीम तो है, करीब 600-700 लोग हो गए हैं अब तो उसके साथ में कर रहे हैं, तो उसके बारे में AICTE का क्या कमिटमेंट बनता है वो उसके बारे में भी कुछ दो शब्द कहिए। देखो निश्चित रूप से AICTE तकनीकी शिक्षा को देखने वाली सबसे बड़ी बड़ी देश में है, और हमारे पास आज 80 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 80 लाख विद्यार्थी हैं, मेरे हिसाब से इतने इसमें 3 सिंगापुर बन जाए जितनी 80 लाख विद्यार्थी सिर्फ तकनीकी शिक्षा के अंदर जो है पढ़ रहे हैं, और हम सब बच्चों का भविष्य हम नहीं, मैं शुरू में ये कह रहा था कि अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता,
भगवान रामचंद्र जी तो इतने समर्थ थे सीता जी को लाने के लिए, वो तो अकेले शायद उनके इशारे से ही वो काम हो जाता। सीता जी जो है उनके पास अपने आप वहां से जो है श्रीलंका से आते, लेकिन वो खुद गए, उन्होंने टीम बनाई, उनके पास हनुमान जी कितनी बड़ी सेना उन्होंने बनाई और ऐसी विजय, और उस विजय के बाद सबको वो एक तरह से धन्यवाद दे रहे थे कि आप नहीं होते तो ये इतना बड़ा काम नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपना इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी भाषाएं, इतने बड़े अलग अलग रीति रिवाज, इतनी ज्यादा अपेक्षाएं लोगों की, तो न AICT अकेला काम कर सकता, न अकेला आनंद संस्थान काम कर सकती, न अकेली यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज या हमारी इंडक्शन प्रोग्राम की टीम अकेले काम नहीं कर सकते। जब अपन जुड़ेंगे नहीं, जब तक एक साथ मिलके काम जो है नहीं करेंगे, हम तो ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटर हैं, सरकारी बाबू हैं, हम ज्यादा ज्यादा कहेंगे सर ये पैसे लेके जो है कुछ मदद कर देंगे, ये वो पैसे से नहीं होगा, दिल से जुड़ने की AICT, दिल से जुड़ने की, ऐसे व्यक्तियों की और पहचान करने की, बड़ी टीम बनाने की जरूरत है। इसलिए सार्थकता, और हमें तो आज आई एम वेरी हैप्पी, जैसे ही मैंने ये वेब पोर्टल पे और पढ़ा इस प्रोग्राम के बारे में, मेरे को आइडिया नहीं था, सुबह इनॉग्रेशन मंत्री जी आए, हमारे चेयरमैन साहब आए, लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है ये मेरे को आइडिया नहीं था। मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 इस तरह से वॉलंटियर्स बन के ये तो एक बड़ा स्वरूप जो है लेगा। और हमने देखा, देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, 100 में से 99 व्यक्ति ऐसे थे जो लग रहे थे, हर एक को ये लग रहा था मैं किसी तरह से मदद करूं, कष्टदायी टाइम था, एक व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन 99 लोगों को ये टेस्टिंग हुई हमारी, तो बड़ी संभावना है इससे और बन के और मजबूती से निकल के आएंगे। और ये जो जिस तरह से वातावरण बना है, जिस तरह से अपने ये कहा जाता है पर्यावरण का इतना नुकसान हुआ, ये वो आज हमारे लिए एक तरह से शायद और अच्छा मौका आया है। इतनी बड़ी ताकत, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या, अगर हम एक गति से एक दिशा में कार्य करने लग गए तो हम विश्व के लिए एक उदाहरण बनेंगे। तो हमें पूरी अपनी क्षमता को पहचानना है, जो उसके साथ आगे बढ़ना है, लड़खड़ाना नहीं है, और गति हमें बनाए रखनी है। AICT हमेशा साथ में है। AICT के चेयरमैन साहब को आप लोगों ने सुना होगा, सुबह सुना होगा, देखो किस तरह के व्यक्तित्व हैं। ऐसे अगर लीडर हमारे साथ में हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत कहीं जो है दिक्कत आने वाली होगी। हम 24 घंटे आपके साथ में हैं जी। अखिलेश जी अगर आप हैं तो धन्यवाद। प्रोफेसर पूनिया जी, अभी मैं आपको सुन रहा था और निश्चित तौर पे मैं गंगराड़े जी की बात को रिपीट करने का मेरा भी इच्छा हो रही है कि आपने जिस विस्तार के साथ में उसका अध्ययन किया संस्थान की वेबसाइट का, निश्चित तौर पे वो आपका एक डेडिकेशन दिखाता है, समर्पण दिखाता है अपने कार्य के प्रति, कि जब हम कोई बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी के साथ करें। और हम लोग भी एक छोटी सी पहल कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य में अपने साथियों के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से, जो कि अपने सीमित समय में से ही कुछ समय दे करके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग इस तरह के जितने भी संस्थान अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को सप्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे की कमियों को सप्लीमेंट करेंगे, तो शायद हम और बेहतर ढंग से काम कर पाए, बस इसी आशा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। आईपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मतलब पूनिया जी को सुनकर के जो हमारी सुसुप्त भावनाएं थी, जो बहुत पहले सो चुकी थी, वो जागृत हो गई हैं। हमको इससे बहुत उत्साह और बहुत इंस्पायरिंग मिला है, और हमको हमारे बाल्यकाल से लेकर के और अभी तक का जीवन का एक प्रकार से मतलब वो एक उदाहरण बन गया है कि किस तरीके से हम लोगों की अपनी हुई है। उनकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सार्थक थी। हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि उन चीजों को हमारे ध्यान में हम लोग रखें, और जब भी हम आगे बढ़ें तो उन स्मरण को आगे लेकर के चलें, और वही हमारी ताकत है, और वही नियम और नियम और नित जो हम अनुशासन की बात उन्होंने की है वो हमारे लिए बहुत प्रभावित है। हमारी कोशिश रहेगी कि राज आनंद संस्थान, AICT और UHC मिलकर के
जो सपना हम सब लोग मिलकर के देख रहे हैं उसको साकार करने में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सके, हमारे निश्चित रूप से ऐसे प्रयास रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनिया जी को, उन्होंने बहुत ही सारगर्भित बात से, बहुत ही व्यवहारिक बात से, बहुत ही तरीके के साथ हम लोगों को कितने साधारण तरीके से इतनी गंभीर और गहन बात उनके द्वारा कही गई है, जिन जो वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आईपी सिंह जी, धन्यवाद। और सत्य प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सत्य प्रकाश जी हमारे पूरा आयोजन जो है वो इनके आरएएस का जो कार्य, ये जो वर्कशॉप चल रहा है, ये सत्य प्रकाश जी बहुत ही एक्टिव हैं पुनिया जी। ओ वेरी गुड जी 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 सत्य प्रकाश बताइए। नमस्ते सर, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आपकी बातचीत में समझ में आई और मैं उसको फिर से दोहरा देता हूं कि आपने कहा कि इस संकट काल में 99% लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की जज्बा दिखाया है और राज्य आनंद संस्थान मूलतः सर इसी भाव काम करता है। हम मानते हैं कि हर व्यक्ति अंदर से बहुत ही भला इंसान है, वो मदद करना चाहता है और जो हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में भी कहते हैं कि हर व्यक्ति आनंदित रहना चाहता है, तो हम भी मानते हैं कि हर व्यक्ति आनंदित रहना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, अच्छा है। दिक्कत केवल यह है कि कुछ चीजें कई बार उसको समझ की कमी की वजह से या वातावरण के प्रभाव की वजह से वो चीजों को कई बार ठीक से विश्लेषित नहीं कर पाता अपने आप को भी। तो हमारा काम कम से कम मध्य प्रदेश में हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे टूल विकसित करें जो लोगों के आंतरिक आनंद की अनुभूति को उभारने में, उनको स्वयं की पहचान को स्थापित करने में मदद कर सके। तो जैसा आपने बताया, आपने हमारी वेबसाइट देखी है, तो हमारे लगभग सारे प्रोग्राम आप देखेंगे तो उसी डायरेक्शन में है कि हम मूल जो व्यक्ति है उसके अंदर की जो छिपी अंतरात्मा की आवाज है, उसके अंदर की छिपी जो आनंद है, उसको ढूंढने में कैसे हम मदद कर पाएंगे, इसके लिए प्रयास करते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि एसीसी और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के साथ मिलके जो शिविर में भागीदारी कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि इसके बाद हम और प्रभावी तरीके से इस कार्य को कर पाएंगे। और जैसे श्रीराम की टीम या एक बड़ा दल बना के उन्होंने हजारों साल पहले जो कुछ भी किया, आज भी हम उसको याद करते हैं, ठीक इसी प्रकार हम सब लोग मिलके भी बहुत कुछ करने की इच्छा है। अपने इस शरीर यात्रा में क्या कुछ कर पाएंगे ये तो समय की बात है, लेकिन प्रयास उसी दिशा में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा आपको सुनके।